अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ पहले की तरह बिल्कुल ठीक ठाक हो। जैसे कि मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ रहा हूँ, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गए। जैसे कि गुड मॉर्निंग हो गई है, एक बजे हो रही है, और मैंने कहा आपको बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं ईद के बाद से। अभी तक ये देखें कितनी मुश्किल से कष्ट करके मैं पानी डालने लगा। मैंने कहा पहले पानी पी लूं फिर नाश्ता वगैरह करता हूं, क्योंकि आज तो रूटीन में हम चेंज हो गए हैं। दोबारा से रमजान की बरकतों वाली टाइमिंग गई, खत्म हो गई है। सो अब बस मामा को कहना करना मम्मी नाश्ता। अब आपको भाई नाश्ता करने लगा। नाश्ते में आपसे सेम रूटीन, वही महीना पहले वाली एग ब्रेड और चाय बस। और अब तो होप्स हो कि मैंने अभी नहीं बताना आप लोगों ने, मजाक कि मैंने जिम आज से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह 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 ज्वाइन कर लेना। और मेरी बहन बैठ के कानों का हाथ गारी, तोबा ये नहीं हो सकता, पर ये बिल्कुल सच है। आज से खत्म है सारी बहार। नहीं आज तो पिज्जा खाने जा लेना। चलो आज फौरन तो नहीं डाइट शुरू करा देते। चलो क्या बात है, तो अब पानी पीते हैं, नाश्ता आएगा फिर करता हूँ क्या आज मामा नाश्ता लेके आएंगे। हाँ जी गाइस, तो रमजान से पहले वाला नाश्ते की रूटीन में हम दोबारा वापस आ गए हैं, और अब हम खाने लगे हैं एग और ब्रेड। चाचू जी नहीं, बटर भी चलेगा आपका साथ। ओके चलो अब हम। हाँ जी गाइस, तो असर का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली है मैंने। मैंने कहा आज बच्चों की जो ईदी रह गई, अब ईदी तो चली गई है ईद, पर जो बच्चों की ईद देनी है मैं बच्चों को ईद दे दूं। अजान को एक गिफ्ट देना है जो अजान को नहीं पता, अजान के लिए मैं लेके आया था दुबई से, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये जान को नहीं पता। ये देखें, ये सुन रहे, ये सुन रहे। अजान के लिए गिफ्ट में लेके आया था, तो अजान को अब देखते हैं कि ईदी दें या गिफ्ट दें। सो अब बस निकालता हूँ, देखता हूँ मैंने रखा कहाँ हुआ। मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैंने रखा कहाँ हुआ है। तो अभी चाय पीनी है, तस्बीह पढ़नी है। यार बहुत ज्यादा ना बेचैनी रहती है आजकल, किस वजह से? क्योंकि आपकी जो एक फिजा में सुकून था, आपके दिल को सुकून था, हर जगह पे बस तलावतें जिक्र और इस तरह से सब कुछ, वो सब कुछ अब नहीं है। तो अल्लाह पाक हमें सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, और हम नेक्स्ट ईयर फिर सेहत के साथ रमजान रखें। और मैं अब छत पे जा रहा था, मैंने कहा वहां जाके जरा थोड़ा चाय शाय पीते हैं, और आज जिम पे जा रहा है। ये देखे रमजान का अजान भाग गया। अजान को भी देखते हैं हम ईदी देंगे या गिफ्ट देंगे। दोनों चीजें। अजान क्या लेना है? दोनों चीजें। दोनों चीजें नहीं मिलेंगी? गिफ्ट में क्या? मैं क्यों बताऊँ गिफ्ट में, जब वो सामने आएगा तो पता चलेगा गिफ्ट में क्या है। तो गिफ्ट देते हैं या ईदी देते हैं, क्योंकि गिफ्ट तो महंगा है, ईदी सस्ती है। तो अब ये देखे कि इस दिन क्या लेना है। तो गाइस अब हम चाय पीते हैं और छत पे चलते हैं, और इसके बाद शाम को इन बच्चों को आज कहीं बाहर भी लेके जाना था, और इनको ईदी भी देनी है। और हाँ जी गाइस, तो इनको मैं देने लगा हूँ ईदी। सबसे पहले मैं दे रहा हूँ अफाफ को, क्योंकि अजान को तो अभी देनी नहीं जब तक ये बताएगा नहीं कि मतलब इसको गिफ्ट चाहिए या वो चाहिए ईदी चाहिए। एक चीज बताएगा तो एक चीज मिलेगी। अफाफ ये लें, आपको ये मैं दे रहा हूँ। ये देखिए ईदी जितनी होती है उतनी होती है, ये पकड़े। ओके अब हम आयरा को भी देने लगे ईदी। 1 2 3 कितने हुए? 1 2 3 4 5 ये लें, ये लें आयरा, ये लो लो ना, ये आप ले लो, ये भी वही है। हाँ जी बहुत ज्यादा पैसे, बहुत ज्यादा पैसे। ओके मैं आपको देता हूँ, देता और ये भी देता हूँ। सो अब गाइस अजान मुझे बताएगा तो फिर मैं अजान को दूंगा, ठीक है? अजान अजान बताओ क्या चाहिए, गिफ्ट या पैसे? दूसरा हिंट क्या चीज है? नहीं नहीं ये नहीं मैंने बताना, आप मुझे बता दो। हिंट चाहिए क्या? मैंने आपको भी नहीं बताना। बता दो, नहीं
ये देखिए इंतजाम शुरू हो गया माज नो। तो जनाब अजान को मैंने कहा था अजान के लिए मैंने गिफ्ट लेके आया था दुबई से, वो देने अजान ने कहा कि मुझे गिफ्ट दे दो अब ईद वाले दो। तो मैंने कहा इस बात पे पक्का है ये बात नहीं है, मैंने कहा ईद वाले दिखा नहीं गिफ्ट मुझे दिखा दो ईद वाले जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो ले लूंगा। आपने मुझे कहा मुझे कहा इधर आओ इधर सामने आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ हाँ ये देखे मामा का सूट पहन के बैठी है। और मैंने अजान को कहा अजान ने अभी अभी की बात है मैं बस ऑन एयर नहीं हुआ था व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था इसने मुझे कहा कि ना आप मुझे गिफ्ट दे दो मुझे पैसे ईदी ना दो। मैंने कहा चलो ठीक है गिफ्ट गिफ्ट और मैंने इसको कहा ऑन एयर ये बोल दो इसने बोल दिया मतलब बोला इसने पहले ही कह दिया कि मुझे गिफ्ट दे दो गिफ्ट दे देता हूँ अब इस पे कायम रहना अब ये कायम है इस पे ये देख लो छोटी मेरी मामा को ये मेरी मामा के कपड़े पहन के तो बैठी हुई है और ये तैयार हो गई है चले अब गाइस इनकी ईदी निकालते हैं अजान का गिफ्ट और ईदी और गिफ्ट दोनों एक चीज बताओगे एक चीज वरना इनको मिल जाएगी आप बैठे रहोगे अच्छा निकालो जो नहीं 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 ना निकालने से पहले आप बता दो तुम्हें ईदी चाहिए या गिफ्ट में चाहिए तुम तो नहीं ये तो गिफ्ट तो गिफ्ट होता है गिफ्ट बता के थोड़ी दिया जाता है। और हमारा है ये देखो मास बहुत खूबसूरत लग रहे हो ये देखो बाजी का ये 10:25 में 10:30 पे इसको बस ईदी या फिर इसने अगर दोनों चीजों को सिलेक्ट ना किया तो इसको कुछ भी नहीं मिलेगा। नहीं 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 इधर ही 5 मिनट में जो डिसाइड करना है ठीक है गाइस इसने अब अनाउंस कर दिया है कि मुझे गिफ्ट चाहिए और अभी ये कपड़े जरा बदले वॉशरूम से होके आया है तो अभी पैंटी पहन रहे पहले पैंटी पहनेगा फिर पैंट पहनेगा फिर वो कमरे में आएगा टेरेस में चला गया। इसने अब डिसाइड कर लिया इसने दो शर्तें रखी हैं उसमें कि अगर तो गिफ्ट में कुछ नहीं होगा तो मुझे आप ईदी दोगे अगर वो अजीबोगरीब चीज होगी तो ईदी मिलेगी। मैंने कहा ओके डन ऐसा ओके ऐसा ही होगा अब बस आ रहा है बस अब आ रहा है और इसको अजान के बांकों पे हम पट्टी बांध देंगे और अजान के आगे हम पेश करेंगे ठीक है। आप इधर बैठे हैं ये तो हमारे इन्होंने कमरे की हालत देखो ये बच्चों ने क्या की है हालत यार ऐसे लग रहा है जैसे पक्की वासियों का कमरा हो इतना गंद किया हुआ है इन्होंने कि मैं क्या बताऊं। खैर मैं खुद बांधता हूँ जान की आइस पे रुके जरा रखो नहीं इसने मुझे पता इसने कभी बांध दिया अब इसको हम गिफ्ट दे रहे अब आप पीछे हमने रखा है अब बस मिल जाए हमें जो मैंने इसके लिए यहाँ पे कहीं पे छुपा के रखा था गिफ्ट नहीं ये क्या बात हुई गाइस नहीं अब इसने कह दी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए साफ पीछे हट जो अब इसको कुछ भी नहीं मिलेगा इसका अब टाइम खत्म हो गया मैं पागल हूँ इसको मैं वो दूंगा छिपकली नहीं अब नहीं मैंने देना नहीं नहीं इसने क्या इसलिए हम पर्दा भी हटा दिया आपको से मैं पागल हूँ आपको छिपकली दूँ मेरा आपके साथ मजाक है छिपकली वाला उसने अब ये खोल दी अपनी आंखों से पट्टी भी हटा लिया इसको अब कुछ भी नहीं मिलेगा बस नहीं इसके साथ सब कुछ खत्म हो गया प्रैंक सब खत्म है। हाँ जी गाइस तो ये इसके लिए गिफ्ट है ये देखें अब ये देखें ये लेता है या इसने क्या ये लेना है मैंने देना तो इसको ईदी भी थी और ये भी था पर इसने मुझे कहा कि मुझे गिफ्ट चाहिए सो ये गिफ्ट नहीं, 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 ये तो इसको वैसे ही वो बर्थडे का गिफ्ट देना था सो फटाफट से इसको देते हैं अजान खोलो मेरी तरफ से ये गिफ्ट खोलो ये ले ये चॉकलेट भी साथ कितनी प्यारी है अब तो नहीं ईदी चाहिए पसंद आया आपको अपना गिफ्ट बहुत प्यारा है गिफ्ट ज्यादा अच्छा था या ईदी दोनों चीजें नहीं एक बताओ अभी भी गाय उसकी मुल्ला की वो दौर मस्जिद तक वही बात है मैंने मिसाल भी दी है इसमें
ये चलती नहीं, चलो बैटरी लो है, मुझे तो पता नहीं है। सो अब ये ईदी बस मुआज की रह गई, इसको अब 100 रुपए ईदी मिलेगी। ये जो मेरे मोबाइल के पीछे पड़े हुए 100 रुपए वो इसको मिलेगी। सो अब अगर हमारा पिज्जा खाने का प्लान बना तो पिज्जा खाएंगे, वरना फिर हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे ही हम ब्लॉग एंड करते हैं। अगर हम पिज्जा खाने गए तो हम बना लेंगे, अगर ना खाने गए मुझे दें इजाजत, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। ये छोटा सा ब्लॉग था बट बहुत इंटरटेनिंग था, जो अजान के साथ प्रैंक करना था। अभी प्रैंक उस तरह का हुआ नहीं जिस तरह का होना चाहिए था, इसके एक्सप्रेशन देखने थे, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अजान तो थैंक यू भी कर देते हैं, मोस्ट वेलकम। सो अब इसके साथ इजाजत है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा। और इसके साथ दें इजाजत, अल्लाह हाफिज़। और ये देखें ये मुआज ने बहुत ज्यादा तंग किया था ये, और ये अब हम आ गए हैं, बस रात का 1:30 बज गया और हम यहाँ पे बैठे हैं। तो अब बस फटाफट से बनती चीज़ें फिर घर जाके खाएंगे, कुछ जो भी खाना होगा।